अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू स्टाइल स्पैगेटी। तो सबसे पहले हमने यह पानी बॉयल को रख दिया था, पानी बॉयल हो चुका तो हमने इसमें स्पैगेटी डाल दी। स्पैगेटी पक चुकी है, अब हम इसे छान लेंगे। 1 कप तक ऑयल में बारीक चॉप करे प्याज को हमने फ्राई कर दिया। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून तक जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 3 से 4 चॉप्ड करे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। फिर यहाँ हमने 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया। फिर इसमें 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। फिर 1 कप तक दही को अच्छी तरह से फेंट के मसाले में ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि ये ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। ये बीफ हमने पहले ही बॉयल करके रख दिए थे, आप बीफ की जगह चिकन भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ढक के रख देंगे। अब हम इसमें बड़े चॉप करे हुए मिर्चे ऐड कर देंगे और मिक्स कर पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारी स्पैगेटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और हमारा मसाला भी तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम इस अपने मसाले को स्पैगेटी में डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये हमने कोयले को चूल्हे पर जलाने के लिए छोड़ दिया है। ये कोयला जल चुका था, अब हम इसे स्पैगेटी में इस तरह रख देंगे और चंद ड्रॉप्स ऑयल के डाल ताकि इससे अच्छा सा धुआं उठे और कोयले की महक स्पैगेटी में शामिल हो जाए। अब हम इसे ढक के रख देंगे ताकि कोयले की महक स्पैगेटी में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। स्पैगेटी रेडी हो चुकी है और इसमें कोयले का अच्छे से दम लग चुका है। इजी एंड यमी बारबेक्यू स्पैगेटी रेडी हो चुकी है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।